Assalamu alaikum students, welcome to My Learn Programming YouTube channel. Today students, we will start lecture number 13. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 11 में हमने इंटेंट को देखा कि इंटेंट क्या होता है, हम कहाँ पे इंटेंट यूज करते हैं, इंटेंट के कितनी टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट को हमने देखा. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे टोस्ट क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स है. टोस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैसेज होता है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐप यूज करें तो आप किसी बटन या किसी विजेट पर या किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको एक मैसेज अपीयर होता है और देन वो डिसअपीयर हो जाता है. तो जो वो मैसेज अपीयर होता है आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी किसी एक्टिविटी पर, उसको हम बोलते हैं टोस्ट. अब जैसे कि स्टूडेंट्स जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो का हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था उसमें हमने जब ऐप रन करते हैं, जो आप ऐप बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसको जब आप अपने सेलफोन में लॉन्च करते हैं तो आपने लॉन्च करने से पहले क्या किया था, एक डेवलपर ऑप्शन ऑन किया था. अब डेवलपर ऑप्शन जब आपने ऑन किया था तो आपने 7 टाइम्स जब क्लिक किया था तो आपको एक मैसेज अपीयर हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर. तो ये जो मैसेज आपको अपीयर हो रहा था ये आपके पास एक टोस्ट के फॉर्म में अपीयर हो रहा था. टोस्ट आपके पास क्या होता है, एक मैसेज की तरह होता है जो को आपको दिखाई देता है किसी स्क्रीन पर, किसी एप्लीकेशन की किसी एक्टिविटी पर और देन डिसअपीयर हो जाता है. इसके हमारे पास जो है दो फॉर्म्स हैं टोस्ट की. आपके पास इसके लेंथ जो है वो शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स रहती हैं टोस्ट की. हमारे पास तीन तरह की टोस्ट हम यूज करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी मैंने टोस्ट लिखना था, यहाँ पे इंटेंट मैंने लिखा हुआ है. टोस्ट के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, बाय डिफॉल्ट टोस्ट है, सिंपल ग्रेविटी टोस्ट है एंड नेस्टेड ग्रेविटी टोस्ट है. हम वन बाय वन इन टोस्ट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो चलते हैं स्टूडेंट्स एंड्रॉइड स्टूडियो में. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. जी स्टूडेंट्स एंड्रॉइड स्टूडियो में आने के बाद आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है. मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लेआउट यूज करनी है. आप यहाँ पे कंसंट्रेट लेआउट को भी यूज कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो लीनियर लेआउट पे काम करें इसलिए मैंने लीनियर लेआउट लगाई है. और यहाँ पे आपने इसकी जो प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं वो आपने ओरिएंटेशन वो आपने सेट कर दी यहाँ पे वर्टिकल. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ इस लेआउट के अंदर आना है और यहाँ पे आपने कोई भी विजेट यूज करना, लाइक अगर आप बटन करना चाहें तो आप बटन कर सकते हैं. बटन आपने ले लेना है यहाँ पे. क्या करना है, इस बटन के बिहाइंड आपने टोस्ट अपीयर करवाना है. जैसे यूजर बटन पे क्लिक करे तो क्या होगा, आपके पास जो टोस्ट है वो अपीयर हो. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बटन लगाया है. हमने यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज की है सेंटर हॉरिजॉन्टल करने के लिए. अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया है क्लिक मी. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मार्जिन दे देना है, सेट कर देना है. मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करनी है. हम यहाँ पे 60 dpi दे देते हैं थोड़ा सा नीचे करके. अब स्टूडेंट्स आपने ये करने के बाद इसको आईडी असाइन कर देनी है. अब आईडी यहाँ पे क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके विजेट्स को और आईडी के थ्रू ही आप बैकएंड पे इन विजेट्स को, इन टैग्स को असेस कर सकते हैं. जस्ट स्टूडेंट्स आपने जो एग्जाम्पल वाली फाइल्स में एक बटन लगाया है, हमें जस्ट देखना है कि हम टोस्ट को कैसे शो करवाते हैं. जैसे ही यूजर क्लिक करे इस बटन पे तो आपके पास जो टोस्ट है वो आपके पास यहाँ पे शो हो. अब मेन एक्टिविटी वाली फाइल में आप जाना है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बटन की क्लास यूज करनी है, उसको आपने ऑब्जेक्ट बनाना है सेमी कॉलन. अब आपने ओन क्रिएट के मेथड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आपने इनिशियलाइज करवाना है आईडी के इक्वल. यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी आपने फंक्शन यूज करना है. आर डॉट आईडी रिसोर्स, आर का मीन का मतलब है रिसोर्स और आईडी के थ्रू आपने इस बटन को असेस करना है. अब आपने आईडी क्या दी थी पीछे, बटन. तो यहाँ पे बटन आपने आईडी यहाँ पे पास कर दिए. अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपने जिस विजेट के या जिस टैग के बिहाइंड आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आपने वहां पे उस बटन या उस विजेट के बिहाइंड आपने एक्शन लिसनर यूज करना है. तो हम बटन पे क्लिक करना चाह रहे हैं, मीन बटन पे क्लिक करें तो हमें टोस्ट अपीयर हो, इसलिए आपने बटन पे क्या लगाना है, एक्शन लिसनर. बटन डॉट
सेट ऑन क्लिक लिसनर आपने ये मेथड यूज किया है, न्यू का कीवर्ड लगाकर अपने व्यू ऑन क्लिक लिसनर जो मेथड्स को आपने यहाँ पे यूज किया है। ये करने के बाद आपके पास ऑन क्लिक का जो मेथड है ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने टोस्ट लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, हमारे पास दो तरह के टोस्ट आ रहे हैं, एक आपके पास एंड्रॉइड विजेट है और एक आपके पास है क्रिएट अ न्यू टोस्ट। अगर आप बाय डिफॉल्ट टोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने स्टूडेंट्स क्रिएट अ न्यू टोस्ट पे क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक किया है तो क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली जो टोस्ट का सेंटेक्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपके पास मेन एक्टिविटी डॉट दिस का मतलब ये है कि जो टोस्ट आपने लगाया है ये इसी एक्टिविटी पे आपको शो होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट देना है, मीन आपने मैसेज जो आपने यूजर को अपीयर करवाना है यहाँ पे आप वो मैसेज लिखेंगे डबल कोट्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने टोस्ट और लेंथ शो, वो आपने ड्यूरेशन बतानी है कि आपका जो टोस्ट है वो कितनी देर तक आपको दिखाई दे। लेंथ शोर्ट और लेंथ लॉन्ग आपके पास दो प्रॉपर्टीज है, दो एट्रीब्यूट है। लेंथ शोर्ट आपका 2 से 3 सेकेंड्स के लिए आपको दिखाई देता है मैसेज टोस्ट, अदरवाइज अगर आप लेंथ लॉन्ग करते हो तो ये आपके पास 7 से 8 सेकेंड्स तक आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक मेथड यूज किया, फंक्शन यूज किया डॉट शो। अब डॉट जो आपके पास शो का मेथड है ये क्या करेगा, जो टोस्ट आपने बनाया वो शो करवाएगा। अगर आप ये शो का मेथड यूज नहीं करते तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका टोस्ट तो बन जाएगा लेकिन जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा आपका टोस्ट शो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे शो का आपने मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बाय डिफॉल्ट टोस्ट एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कुछ भी लिख लेना है डबल कोट्स के अंदर, जो भी मैसेज आप अपीयर करवाना चाहते हैं या जो भी मैसेज आप जो है शो करवाना चाहते हैं यूजर को। जस्ट मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट टोस्ट एग्जाम्पल। अब ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से प्रोग्राम को जो है आपका ऐप उसको आपने रन करना है। तो ये अभी टाइम लेगा, ग्रेडल्स बिल्ड हो रहे हैं नीचे, जैसे ग्रेडल बिल्ड होते हैं तो हमारा इमीडिएट स्टार्ट होगा और हमें ऐप हम जो हमने यहाँ पे टोस्ट लगाया है वो हमें शो होगा। तो स्टूडेंट्स हम वेट करते हैं यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो था डिवाइस इमीडिएट डिवाइस, उसमें हमने जो ऐप बनाई थी जिसमें हमने एक बटन लगाया था, बटन के बिहाइंड हमने एक टोस्ट अपीयर करवाना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लिक मी का बटन लगा है, अब आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टोस्ट अपीयर हो रहा है बाय डिफॉल्ट टोस्ट एग्जांपल। मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो देख लें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक मैसेज अपीयर होता है जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं, और ये थोड़े वक्त के लिए आपको दिखाई देता है, शो होता है, देन डिसअपीयर हो जाता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।